स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पाकिस्तान पर शायद इंडिया का हुआ हो गया होगा, क्योंकि एक एक दौर आता है, एक दौर ऐसा था जब पाकिस्तान बहुत डोमिनेट करता था इंडिया को 80s में और मिड 90s तक, उसके बाद फिर इंडिया की टीम ऐसी बनी कि वो पाकिस्तान से लड़ना शुरू हुई, फिर इंडिया की टीम ऐसी बनी जो पाकिस्तान को हराना शुरू हुई। आपको लगता है कि अब पाकिस्तान पर हवा इतना हो गया इंडिया का, इंडिया को देखते उनके हाथ पैर फूल जाते हैं? आई थिंक हाँ बिल्कुल, क्योंकि और आप वैसे भी देखो तो अलग अलग स्टेजेस में एक ऐसा समय था कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छा था, और हमारे पास जो अभी है उतने मैच विनर्स नहीं थे, तो दोनों तरफ से बैलेंस हो रहा है कि उनका आज बॉलिंग अटैक वैसा नहीं है जो पहले हुआ करता था, और हमारे पास टीम में आज कहीं ज़्यादा मैच विनर्स आए हैं, तो वो एक बैलेंस शिफ्ट हुआ है ज़रूर। और मुझे लगता है कि कंडीशंस भी मैटर करते हैं। हमारी बैटिंग अगर देखी जाए तो हमारे बैट्समैन टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर्स है, बहुत करेक्ट है प्लेयर्स, तो अगर थोड़ी कंडीशंस सीमिंग कंडीशंस रहेगी तो मुझे लगता है कि हमारे बैट्समैन उनके बैट्समैन से ज़्यादा डील कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा हैंडल करेंगे, और हमारे बैट्समैन की पार्टनरशिप होने के चांसेस ज़्यादा है। और नो रिस्क, ये हम तकरीबन हर शो में मैंने आपसे ये सवाल पूछा है जो हमारे भारत के जो बल्लेबाज हैं कि नो रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, पता नहीं चलता कि बैट्समैन आया उसके 25 हुए, 30 हुए, 50 हुए कि आज और बड़ी शॉटें खेले बिना। बिल्कुल, कि अगर आज देखो तो रोहित शर्मा एक बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने रिस्क नहीं ली थी, एक ही एरिया में मुझे लगा कि थोड़ा रिस्की कुछ कर रहे थे, वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स और बड़ा और लकी रन आउट मिस कर दिए, वो दो बार अच्छे चांस थे रन आउट करने के, वो पाकिस्तान को हाँ, क्योंकि उन्होंने वो अच्छे चांसेस मिस कर दिए रन आउट, और वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहे, और नहीं तो जिस तरह रोहित बैटिंग कर रहे थे बिल्कुल ऐसे फीलिंग नहीं आया कि वो रिस्क ले रहे, मगर एक वो अलग ही स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहे थे, अलग फ्लो था बैट का, सब कुछ देखने में इतना मज़ा आ रहा था कि मैं बैठे बैठे ये सोच रहा हूँ कि ये एक के दो रन क्यों बनाने के लिए देख रहे हैं, तू खड़ा रहे वहाँ पे बस, तू अगर 40 ओवर खेल जाएगा तो तू बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर बनाएगा। इससे कमाल की बात है, जैसे ही रोहित शर्मा का 100 होता है लोग सीधा 200 की बात करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं इन्होंने अपना रेपुटेशन कैसे बना ली है, 100 बात जब 100 होता है सीधे किताब 200 पे चली जाती है क्योंकि जब 100 होता है तो फिर वो एक अलग स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, वो गाड़ी का ओवर ड्राइव होता है ना, तो ओवर ड्राइव स्पोर्ट्स ड्राइव हाँ बिल्कुल, तो वो गियर में जब जाते हैं तो फिर, और उनके पास ऑलराउंड गेम है, तो ऐसा कोई वीकनेस नहीं है कि आप एक एरिया पकड़ के रखो और वहाँ से रोहित कुछ नहीं कर सकते, ऐसे एरियाज तो है नहीं, तो फिर बॉलर कहाँ डालेंगे, फिर तो बॉल इज इन रोहित कोर्ट का, अगर वो मारना चाहेगा तो वो मारेगा, अगर उसे सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करना है तो वो करता है।